हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग विमान स्थान के जो सबसे पहले चैप्टर है रस विमान, उनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले जो है थोड़ा बहुत विमान स्थान के बारे में जान लेते हैं। विमान जो है, विमान वर्ड का यदि विच्छेद किया जाए तो वी प्लस मान बनता है। वी का मतलब होता है विशेष, ओके, विशेष मान, स्पेसिफिक मेजरमेंट। तो किसके लिए ये स्पेसिफिक मेजरमेंट है? तो जो दोष होते हैं, औसत होते हैं, इन सभी के लिए जो स्पेसिफिक मेजरमेंट के बारे में जानना है, ठीक है। विमान स्थान चरक संहिता के तीसरे स्थान में आते हैं। इससे पहले सूत्र स्थान है, निदान स्थान है, ठीक है। निदान स्थान में हम लोगों ने रोगों का निर्णय करने के बारे में जाना, जो भी विकार है उनको निर्णय कर लिया, फाइनलाइज कर दिए कि ये पर्टिकुलर डिजीज है। तो अब जब रोगों का निर्णय हो गया तो उसके बाद उसकी चिकित्सा करनी थी, यानी कि चिकित्सा स्थान आना चाहिए था, लेकिन बीच में विमान स्थान कैसे आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर यह है कि यदि हम चिकित्सा करेंगे पर्टिकुलर डिजीज़ का, तो उस चिकित्सा के लिए हमें जो उस डिजीज, एग्जांपल के लिए श्वासकाश एक रोग है, ओके, श्वासकाश रोग को हम आइडेंटिफाई कर लिए निदान के थ्रू, लेकिन इस श्वासकाश में जो दोसा इन्वॉल्व हो रहे, वात है या कफ है, ठीक है, साथ साथ इसके लिए जो हम औषध मान के चलिए सीतोपलादी चूर्ण, तो सीतोपलादी चूर्ण का क्या इंग्रेडिएंट होगा, उसका क्या डोज होगा, तो ये सारा जो स्पेसिफिक मेजरमेंट है ना, तो ये सब भी जानना जरूरी है। इसके बगैर तो चिकित्सा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए चिकित्सा से पहले और निदान के बाद विमान स्थान आया है, ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि अब विमान स्थान के बाद डायरेक्ट चिकित्सा स्थान आ गया, ये क्रोनोलॉजी है। विमान के बाद जो है फिर शरीर स्थान, फिर इंद्रिय स्थान, देन चिकित्सा स्थान आया। अब ये कैसे आया, एक एग्जांपल शरीर स्थान तक देख लेते हैं कि शरीर स्थान इसलिए आया क्योंकि चिकित्सा करने के लिए हमें शरीर चाहिए, क्योंकि चिकित्सा तो शरीर का करते हैं, तो इसीलिए पहले शरीर का भी नॉलेज चाहिए होगा। इसीलिए विमान के बाद जो है पहले शरीर आया, देन आफ्टर जो इंद्रिय और फिर चिकित्सा। अब जो विमान का हम लोग निरुक्ति देख लेते हैं, तो विमान का निरुक्ति में क्या आया है, विशेषेण मियते ज्ञायते, दोष भैसज आदि अनेन इति विमानम। कहने का मतलब है कि जो दोष हैं, भैसज हैं एक्सेट्रा, इन सभी की जो मात्रा है ना, उनका विशेष रूप से वर्णन, विशेष ज्ञायते, तो वो जहाँ किया जाए उसे विमान कहते हैं, ठीक है। आगे जो है जो विशेष वर्णन वो विमान हो गया। अब क्या करा, एवं भूतम विमान अभिधेयत्या यत्र तिष्ठति तत विमान स्थानम, यत्र तिष्ठति यानी जहाँ पर स्थित हो, कौन सा चीज़, ये विशेष मान जहाँ स्थित हो उस स्थान को विमान स्थान कहते हैं। तो ये विमान स्थान की निरुक्ति क्लियर हो गई। एक बार देख लेते हैं विमान स्थान में टोटल चैप्टर जो 8 हैं इनका नाम क्या क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर है रस विमानम, सेकेंड है त्रिविध कुक्षियम विमानम, थर्ड है जनपदो उपध्वंसनियम विमानम, फोर्थ त्रिविध रोग विशेष विज्ञानम विमानम, फिफ्थ स्रोतशाम विमानम, सिक्स्थ रोगानिकम विमानम, सेवन्थ व्याधित रूपीय विमानम, एंड एट चैप्टर है रोग विषय जत्यम विमानम। तो ये 8 चैप्टर जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसके साथ साथ हम लोग इनको क्लियर भी करते जाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रस विमान, रस विमान को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया। फर्स्ट सेक्शन है रस, जो 6 तरह के रस होते हैं, दोष 3 तरह के जो दोष होते हैं, इनके बीच में क्या पारस्परिक संबंध आपस में वो जानना। एंड सेकेंड सेक्शन का मोटिव यह है कि अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, जो 8 तरह के आहार होते हैं उनके लिए जो स्पेसिफिक आयतन है वो जानना। हमारा आज का टारगेट जो है फर्स्ट सेक्शन को कवर करना है, रस एंड दोष के बीच में संबंध, ओके। तो रस विमान स्टार्ट करने से पहले एक बार और देख लेते हैं कि विमान स्थान के जो प्रयोजन है उसका उपदेश का क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट आया है कि दोष औषध देश काल बल शरीर सार आहार सात्म्य सत्व प्रकृति अवस्था, इन सभी के मान को जानना, इन सभी की मेजरमेंट को जानना। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे वय को ही ले रहे हैं तो वय के अकॉर्डिंग क्या हो गया, वृद्धावस्था, ठीक है। तो वृद्धावस्था है तो उसमें कौन सा दोष होगा, वात होगा, औषध क्या देंगे, वात शामक। काल जो है अवस्थिक काल में वृद्धा हो गया, देन नित्यक काल भी होगा, ठीक है। उसके बाद शरीर का बल क्या है, कौन सा आहार देना है, उस पर्सन का क्या प्रकृति है, तो इन सभी के मान को जानना ही इस विमान स्थान का उद्देश्य क्यों है। यदि इसको जानेंगे तभी ट्रीटमेंट करेंगे, इनको जाने बिना कोई भी वैद्य रोग को दूर करने में असमर्थ रहता है, समर्थ नहीं है, कैपेबल नहीं है, ठीक है। श्लोका का एक छोटा सा लाइन यहाँ दिया हुआ है, ये लाइन ये कहना चाह रहा है कि इन सभी को मान को जानने से पहले आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। ये कुछ भी नहीं है, निदान है, निदान पंचक है।
ऐसे देखिए, निमित्त है, निमित्त मीन्स हेतु, निदान, देन पूर्व रूप, देन रूप, देन उपसर्ग, ये चार हो गए। एंड उसके बाद जो है ये विशिष्ट निदान के भेद है, संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल एंड काल। ठीक है, तो कह रहा है कि इन सभी का नॉलेज होने के बाद जो हमें फिर फाइनली मान को जानना है, और उसके बाद जो है ये जानेंगे तभी हम रोगों को दूर करने में समर्थ होंगे, यानी चिकित्सा कर पाएंगे। तो रस विमान स्थान के सबसे पहले पॉइंट रस के बारे में देखते हैं। तो रस का जो भेद या संख्या है वो छः होते हैं, आपको मालूम है अच्छे से, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्तन, कसाई, ये छः रस होते हैं। ठीक है, जानना यहाँ पर यह है कि इन रसों का यदि सम्यग उपयोज्यमान, यदि सम्यग रूप से इन रसों का उपयोग किया जाए प्रॉपर वे में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो क्या होगा, शरीर याप्यंती, शरीर का याप्य होगा, शरीर भली भांति चलेगा, हेल्दी रहेगा पर्सन। लेकिन मिथ्या उपयोज्यमान अस्तु, यदि इसका मिथ्या उपयोग किया जाए, इम्प्रॉपर वे में उपयोग किया जाए, तो क्या होगा, दोष प्रकोपक, वो दोष को प्रकोप करने वाला हो जाता है। इसके बाद दोष के बारे में जान लेते हैं। ये सब चीज़ आपको अच्छे से मालूम है कि दोष क्या है। दोष है पुनः त्रयो, दोष तीन होते हैं, कौन कौन है, वात, पित्त, श्लेष्मानम, वात, पित्त एंड कफ। ओके, यहाँ पर क्या है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट की प्रकृति भूता शरीर उपकारका भवंती, यदि वो प्रकृत अवस्था में रहेगा, अपने नेचुरल कंडीशन में रहेगा, बैलेंस्ड फॉर्म में रहेगा, तो क्या करेगा, शरीर का उपकारक होगा, बॉडी को नरिश करेगा, फुलफिल करेगा, अच्छा बनाएगा। लेकिन विकृत रहा तो, ठीक है, डिफॉर्म कंडीशन में यदि ये दोषाज हैं तो क्या होगा, नाना विध विकारे शरीर उपतापयंती, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डिजीज देगा, शरीर का ताप करेगा, शरीर को दुख पहुंचाएगा, रोग कारक होगा, विकृत कंडीशन। एंड प्राकृतिक क्या होगा, उपकारक होगा। तो ये हो गया दोषा। अब हम लोग दोष और रस इन सब के बीच में एक रिलेशन इस तरीका से देखते हैं कि रस जो है दोषों को कैसे समन एंड वृद्धि करते हैं। इसके लिए एक सिंपल श्लोका है कि दोषा एक ही कम, यानी कि एक एक दोष, जैसे वात, पित्त एंड कफ है, उनमें से कोई एक दोष है, उसके लिए क्या है कि त्रयस त्रयो रसा जनयंती, यानी उसके लिए तीन तीन रस है जो उसको जनयंती यानी वृद्धि कराते हैं, साथ साथ त्रयस त्रय च उपशमयंती, साथ साथ तीन तीन रस जो है उनको उपशमन कराते हैं, यानी कि उसको शांत कराते हैं। एग्जाम्पल में जैसे वात है, तो वात को एग्रेवेट कराने के लिए भी तीन दोष है और वात को पेशिफाइड करने के लिए भी तीन रस हैं। ठीक है, तो वात दोष के लिए तीन रस कौन कौन है, कटु, तिक्त, कषाय, जो वात को कोप कराएंगे, बढ़ाएंगे, साथ साथ मधुर, अम्ल, लवण जो है वात को शमन कराएंगे। ऐसे ही पित्त एंड कफ के लिए होता है, तो आपको जो सिंपल एक ट्रिक है वो याद रखिए, मालवी, टी के एंड एम टी कापी। तो मधुर, अम्ल, लवण जो है ये तीनों रस जो है वात को शमन कराएंगे, तो बचे तीन क्या होंगे, वात को बढ़ा देंगे। सेम तिक्त, कटु, कषाय जो है कप को क्या करेंगे, शमन कराते हैं, यहाँ पे सिर्फ शमन वाला याद करना। तो बचे हुए क्या करेंगे, तीन रस जो है कप को वृद्धि कराएंगे, और उसके बाद जो मधुर, तिक्त, कषाय पित्त को शमन कराते हैं, तो बचे तीन रस जो है वो पित्त को वृद्धि कराएंगे। या फिर आपको जो भी अपना ट्रिक होगा वो याद रखें। अब हम लोग दोषों की वृद्धि एंड क्षय, उसका और रस के साथ क्या रिलेशन है वो देखते हैं। तो श्लोका है कि रस दोष, रस एंड दोष सन्निपाते, तू ये रसा ये दोष है, समान गुना समान गुण भूयिष्ठा वा भवंती ते तान अभिवर्धयंती। पहले इसे समझते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल में लीजिए कि आप कोई मधुर रस वाले आहार को लिए, तो मधुर रस वाले आहार हमारे बॉडी में गया, तो हमारे शरीर में जो इसका समान गुण वाला कोई दोष होगा, जैसे कि कफ है तो मधुर कफ को वृद्धि कराने वाला होता है, कफ का जो भी गुण होगा तो समान गुण वाला मधुर रस है, या फिर इसमें क्या है कि समान गुण भूयिष्ठ है, समान गुण का संख्या ज़्यादा है। एक एग्जांपल में आप जैसे वात से समझे, तो वात का रुक्ष, लघु, शीत, खड़, ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं, तो नंबर ऑफ गुण यदि प्रॉपर्टी यदि ज़्यादा है तो वो समान गुण भूयिष्ठा वाला हो गया, या फिर सिंपल एक रुक्ष गुण समान है तो एक समान गुण मान लिए। तो दोनों में से जो भी कंडीशन है तो वो क्या करेगा, समाने वृद्धि समाने सर्वेशा, यानी कि समान समान होने की वजह से ये क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो अभिवर्धयंती, यानी कि हम जो रस लेंगे वो दोष के साथ यहाँ क्या कर रहा है, फाइनली हमारे बॉडी में सन्निपात हो रहा है और साथ साथ जो वृद्धि करा रहा है। लेकिन इसके अपोजिट, ठीक है, विपरीत गुण होगा या फिर विपरीत गुण भूयिष्ठा, यानी कि या तो विपरीत गुण हो या फिर विपरीत गुणों की संख्या में जो वो ज़्यादा हो, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग वात ले लेते हैं। मधुर रस लिए तो मधुर वात के गुण का अपोजिट होता है, वात समक होता है, तो ये क्या करेगा, उसको समन करेगा। ओके, तो ये चीज़ को यहीं पर लिखा हुआ उसको समझ लेते हैं।
जैसे कि रस का सेवन किया हमने, मधुर रस ही समझिए, तो रस का सेवन करने से क्या हुआ, वो रस शरीर में अभिसंबंध हुआ, शरीर में गया, शरीर में जाने के बाद वो रस क्या कर रहा है, तो समान गुण वाले दोष या फिर अधिक गुणों में जिस दोष की समानता, इन दोनों कंडीशन में क्या करेगा, उस पर्टिकुलर दोष के साथ सन्निपात करके उसको वृद्धि करेगा, ठीक है। लेकिन वही रस विपरीत गुण वाले दोष है या फिर उसमें जो विपरीत गुण की संख्या अधिक गुणों में विपरीतता है, तो उसको क्या करेगा, वो क्षय करेगा, दोष का क्षय। तो ये इसका लिटरल मीनिंग था। आगे ये बात कहा जा रहा है कि ये तो हम समझ गए कि दोष को, रस को लिए और वो रस जो उस दोष को समन या वृद्धि करेगा, वृद्धि समाने सर्वेशम या ह्रासेतु विपर्यय, इन सभी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन ये एक दिन में नहीं हो जाता है, जैसे कि किसी को वात एग्रेवेटेड प्रॉब्लम है, वात वात प्रकोप है, और उसको जो है मधुर अम्ल लवण ये तीन रस जो वात शामक होते हैं, तो यदि हम उसे, उस पर्सन को एक ही दिन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वात शामक ये आहार दे दें और उसका वात समन हो जाएगा उसी दिन, ऐसा नहीं होता है। ये क्या है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। इसके लिए क्या करना होता है, निरंतर अभ्यास चाहिए, ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस, एक दिन पे नहीं डेली बेसिस पे करना होगा, तब जा करके वो ये कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, ठीक है। तो निरंतर अभ्यास से समान वस्तु वृद्धि का कारण और विपरीत वस्तु ह्रास का कारण होता है, ठीक है। अब एक बार इन सभी को समराइज कर लेते हैं। तो हमने जो रस पढ़ा है वो रस की संख्या जो है टोटल 6 है, सेपरेट सेपरेट, पृथक पृथक, यानी मधुर अम्ल लवण कटु तिक्तन कषाय, ठीक है। उसी तरीके से जो सेपरेट सेपरेट दोषों की संख्या कितनी है, 3, यानी वात पित्त एंड कफ। बात ये आ रहा है कि संसर्ग विकल्प का जो है विस्तार, यानी कि ऑप्शन के बेसिस पे खास करके जो तरतम वाला कॉन्सेप्ट लगाया जाए तो इसकी संख्या इन्फाइनाइट हो जाती, अपरिसंख्य, असंख्य हो जाती। ये कैसे होती है, ऐसे समझते हैं कि जैसे हम तीन ही रस को लेते हैं, मधुर अम्ल लवण, ओके, मधुर 10%, अम्ल 20% और लवण 30%। तो अम्ल क्या है, उच्चतर, एंड लवण उच्चतम है, तरतम कॉन्सेप्ट हो गया, और मधु उच्च है, ठीक है। इसके अलावा और सब जो है रस है वो 5% 2% है, तो ये कम है, ये हीन है। तो उच्च, उच्चतर एंड उच्चतम, तरतम के बेसिस पे तो ये एक हो गया। अब इसी प्रोपोर्शन को जो 11, 21, 30, 32 किया जाए तो सेम चीज़ है, तरतम वाला होगा, और ये चीज़ हम जो है इन्फाइनाइट किया जा सकता है। इसीलिए तरतम के बेसिस पे इसकी संख्या क्या हो गई, असंख्य हो गई, ओके। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर दे रहा हूँ कि वाग्भट जी का बात यदि माना जाए तो उनके अकॉर्डिंग या तरतम नहीं, यदि संसर्ग वाला कॉन्सेप्ट लगाया जाए, जैसे संसर्ग सन्निपात वाली, जैसे 2 दोष 3 दोष ऐसे करके मिल रहा है, तो दोषों की संख्या संसर्ग सन्निपात के बेसिस पे जो 63 हो जाएंगी और रसों की संख्या भी जो है 63 हो जाती है, ठीक है। ये बस एक माइंड रखने वाला है। आगे हम लोग दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, एक है प्रकृति सम संवेद, दूसरा है विकृति विषम समवाय। इन दोनों को समझने के लिए इन चीज़ों को समझते हैं। पहले हमारे पास यहाँ एक द्रव्य है जैसे कि आम्ल की, और एक विकार है द्वंद्वज गुल्म, ठीक है। तो ये जो द्रव्य है आम्ल की, इसमें कौन कौन से रस हैं, मधुर अम्ल तिक्त कटु कषाय एंड लवण नहीं होते हैं, जो नेचुरल है। साथ साथ जो द्वंद्वज गुल्म है, मान लिया जाए कि इसमें 2 दोष है, वात एंड पित्त, ठीक है। तो क्या है कि अनेक रसों वाले द्रव्य हैं एंड अनेक दोष वाले विकार हैं। तो इन केस में कहना क्या है कि यदि हम इस वात के प्रभाव को जान रहे हैं, पित्त के प्रभाव को जान रहे हैं, ठीक है, तो इस विकार का प्रभाव भी हम यदि जान लेंगे, साथ साथ इधर के केस में यदि हम इन रसों के प्रभाव को इंडिविजुअली जान रहे हैं, चाहे मधुर का क्या प्रभाव है, अम्ल का क्या प्रभाव है, तो उसके वजह से हम आम्लिकी के प्रभाव को भी जान लेंगे, यानी कि दोनों का प्रभाव सेम होगा, तो यही प्रकृति सम संवेद है, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट ये चीज़ नहीं होगा, यानी कि जो वात का प्रभाव है, जो पित्त का प्रभाव है, वो प्रभाव, दोनों का मिला हुआ प्रभाव गुल्म, द्वंद्वज गुल्म में होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो करके कोई तीसरा प्रभाव, तीसरा इफेक्ट आ जा रहा है, तो वो विकृति विषम समवाय वाला बात हो जाएगा, यानी कि उसका जो प्रकृति है उसमें चेंज हो गया, उसका अपना प्रकृति विकृत हो गया, विकृति हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट जो है इन दोनों पे लगेगा, ठीक है। तो अब एक एक करके हम दोनों को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकृति सम संवेद को देखते हैं, क्या है कि तत्र खलु अनेक रसेषु द्रव्य अनेक दोषात्मकेषु च विकारेषु रस दोष प्रभाव
एक 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 सेन अभी समीक्ष्य ततो द्रव्य विकारयो प्रभावत्वं द्रव्यस्येत। कहने का ये मतलब है कि एक द्रव्य है जिसमें बहुत सारे रस हैं, अनेक रसों का बना है, जैसे कि आम्ल की मधुर अम्ल तिक्त कटु जो हमने देखा, और एक विकार है जैसे गुल्म है द्वंद्वज गुल्म जो अनेक दोषों का बना है जैसे कि वातपित्त। तो क्या करना है कि इसमें जो है रस का और इसमें दोष का, यदि इस प्रभाव को एक एक करके हम इसका समीक्षा कर लिए, उसको जान गए, तो क्या होगा कि वो द्रव्य एंड विकार, यानी कि ये द्रव्य और ये विकार, उसके प्रभाव को भी बता देगा, यही उसी को निश्चय करेगा, यही प्रकृति समसंवेत सिद्धांत है। इसी चीज़ को एग्जाम्पल से यदि समझे तो जैसे कि मधुर अम्ल और लवण रसों के प्रभाव का ज्ञान अलग अलग है, तो उससे बनने वाले जो समुदाय होंगे, जो द्रव्य होंगे, उसका ज्ञान जो है करह स्वतः हो जाएगा, यानी कि इन तीनों का मिला हुआ होगा। सेम यदि फीवर ज्वर की बात की जाए तो ज्वर को दूर करने के लिए हमारे पास चार औषधि का ज्ञान है, ठीक है, तो उन चारों को मिलाकर यदि ज्वर में प्रयुक्त किया जाए तो वो जो समुदाय होगा वो भी ज्वर नाशक होगा, यही प्रकृति समसंवेत है, यानी कि इनका जो इंडिविजुअल प्रकृति था और कम्युनिटी का जो प्रकृति है वो कॉमन होगा, सम होगा, ठीक है, तो ये प्रकृति समसंवेत हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग विकृति विषम समवाय को देख लेते हैं। क्या है ये कि ना तो एव खलु सर्वत्र ना ही विकृति विषम संवेता नाम। क्या कह रहा है कि ना तो एव खलु सर्वत्र, ये जो प्रकृति समसंवेत है वो हर जगह अप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो क्योंकि उसके जो अवयव हैं, ठीक है, जैसे जो इंडिविजुअल थे अलग अलग रस, और उसका जो समुदाय है जैसे कि एक द्रव्य आम्ल की था, ठीक है, तो इसके जो इंडिविजुअल उसमें क्या आ जाती है, विकृति या विषमता आ जाती है। उसके पीछे तीन कारण दिया है, नानात्मका नाम परस्परेंच उपहता नाम एंड अन्येश्च विकल्प निर्विकल्पिता नाम। तो ये तीनों को आगे देखते हैं, लेकिन ये इन तीनों कारण से जो है उनके इंडिविजुअल यानी कि अवयव में विकृति या विषमता आ जाती है, जिसकी वजह से जो कम्युनिटी जो समुदाय है ना उसका प्रभाव इस इंडिविजुअल के प्रभाव के जैसा नहीं होगा, उससे डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए ये विकृति विषम समवाय, यानी कि यहाँ विकृति और विषमता दोनों आ जाती है। विकृति विषम समवाय को और अच्छे से समझने के लिए इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक विकृति संवेद, दूसरा विषम संवेद। ओके, तो पहला विकृति को समझते हैं, कैसे विकृति होता है। एक एग्जांपल दिया है कि तंडुलिए चौड़ाई जिसे कहते हैं वो रस में मधुर होता है, और मधुर रस होने की वजह से इसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, अनुसरण ये करता कि वो स्नेहन और वृष्य का काम करता, लेकिन क्या होता है कि इसमें विकृति हो जाती है, विकृति संवेद होने की वजह से ये काम करता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट विषम को देखते हैं, तो विषम संवेद में क्या होता है कि एक तिल है, तिल में चार रस के बारे में बताया, कसाय कटु तिक्तन मधुर, ठीक है, जब ये रस सम मात्रा में, जैसा कि प्रकृति संबलिक केस है, यदि सम मात्रा में होगा तो ये तिल क्या करता है, पित्त एंड कफ, इसके साथ साथ त्रिदोष शामक होता है, लेकिन यही रस इसमें जब विषम मात्रा में, जो कि विषम संवेत वाला कहानी है, विषम मात्रा में आ गया, इसका प्रोपोर्शन विषम हो गया, सम नहीं है, तो ये क्या कर रहा है कि पित्त कफ या सन्निपात को उत्पन्न करने वाला हो गया। दोनों केस में रस तो सेम है, कसाय कटु तिक्तन मधुर, लेकिन उसका जो संयोग एक में जो है सम रूप से हो रहा है, एक में विषम रूप से हो रहा है, जिसकी वजह से नेचर ही चेंज कर दे रहा है। पहले केस में तो ये क्या कर रहा है, दोष को समन कर रहा था, दूसरे केस में उल्टा होकर वृद्धि कर दे रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है विकृति संवेत एंड विषम संवेत को मर्ज कर दिया जाए तो विकृति विषम समवाय बन जाएगा कुछ ऑथर के अकॉर्डिंग। एक बार इन दोनों को एक साथ देख लेते हैं, प्रकृति सम संवेत एंड विकृति विषम संवेत। क्या है कि रसानाम दोषानाम च प्रकृति अनुगुणो यो मिलितानाम प्राकृत गुणो अनुपमर्देन मेल को भवति सह प्राकृत सम संवेत शब्देन उच्यते। कहने का मतलब जो है रस हैं और दोष हैं, जो हम लोगों ने अवयव देखा था कि रस और दोष और इनके अवयव को जो है किस में मिलना था, उनके द्रव्य एंड विकार में, तो अलग अलग जो द्रव्य और जो रस रहते थे वही गुण यदि उसके आप ये देखो कि ये हमारे द्रव्य थे और ये हमारा विकार था,
तो विकार में जो वात एंड पित्त था और द्रव्य में जो मधुर अम्ल लवण, तो वो कह रहा है कि यदि रसानाम दोषानाम, जो रस हो गए और जो दोष हो गए, ये सब चीज जो इनका प्रभाव होगा, वही प्रभाव यदि इसमें आ जाएगा तो प्राकृतिक समसंवेत हो गया। ऐसे ही जो इनका दोष का प्रभाव, वही प्रभाव विकार में आ गया मिला हुआ, तो ये प्रकृति समसंवेत हो जाएगा। लेकिन विकृतया हेतु भूतया विषमा प्रकृति अनुगुण संभेतो विकृत विषम संभेत। यहाँ पे क्या होगा कि ये प्रभाव जो जो मधुर अम्ल लवण का, वो प्रभाव इस ड्रग में ना होकर कोई थर्ड प्रभाव आ रहा है, कुछ और ही आ जा रहा है, तो विकृति विषम संभेत हो जाएगा। अब जो हम लोग निदान स्थान में एक बार द्वंद्वज गुल्म की बात किए थे, तो द्वंद्वज गुल्म में ये कहा गया था कि उसको जो निदान में नहीं कंसीडर किया गया था, उसके पीछे यही लॉजिक है। उसमें प्रकृति समसंवेदता फॉलो हो रहा था, ये प्रकृति समसंवेद के वजह से जो वो उसका गुण जो है अलग अलग जो है वात पित्त का जो गुल्म था, वही द्वंद्वज गुल्म का सेम फीचर था। कोई तीसरा फीचर जो है इस वात पित्त यानी द्वंद्वज गुल्म में आ ही नहीं रहा था, उसमें जो है वात एंड पित्त का ही लक्षण आ रहा था, इसलिए उसको एक सेपरेट टाइप्स में क्लासिफाइड नहीं किया गया है, ठीक है। जबकि द्वंद्व ज्वर जो होता है उसको अलग माना गया है, क्योंकि ज्वर के केस में क्या होता है कि एक थर्ड लक्षण आता है, जो कि जैसे कि वात पित्त ज्वर है, तो उसमें वात के और पित्त के लक्षण होने चाहिए द्वंद्वज में, लेकिन उसमें क्या है कि इन दोनों के अलावा एक तीसरा लक्षण भी आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ लॉजिक था वहाँ के लिए जो यहाँ क्लियर हो जा रहा है। तो इन दोनों के एग्जाम्पल को आप देख करके एक बार अच्छे से समझ जाओगे कि दूध या चीनी या जल का जो एग्जाम्पल दिया, तीनों में मधुर रस होते हैं और इनका शरबत यदि बना दिया जाए तो उसमें भी मधुरता ही आती है। ये मधुर रस और जो शरीर हमारे बॉडी में जो मधुर रस है उनको एग्रेवेट कर रहा है, एक दूसरे को जो है वो नष्ट नहीं कर रहा है, वो एक दूसरे को प्रमोट ही कर रहा है, ये प्रकृति समसंवेदता था। जबकि विषम वाले में क्या होगा, अपोज होगा, जैसे कि मछली है और दूध है, इन दोनों को एक साथ खाने से क्या होता है, इंडिविजुअली यदि खाएंगे तो बॉडी को नरिश करता है, लेकिन मिलाकर खाते हैं तो बॉडी को हार्म करता है, ये विकृत विषम का एग्जांपल है। ऐसे ही जो है मधु और घी है, इन दोनों को यदि अकेला अकेला खाया जाए तो बॉडी को जो है नरिश करेगा, फायदेमंद होगा, लेकिन जब इनको मर्ज कर दिया जाए तो ये फिर हार्म करता है, तो ये विकृत विषम का एग्जाम्पल हो गया। तो उसी का जो ये उपसंहार है फाइनली, ये बता रहा है जो हम लोगों ने पढ़ा कि जो मिश्रित समुदाय है, यानी कि जो द्रव्य का जो रस का जो समुदाय था, ऐसे विकार में दोषों का समुदाय था, तो उस मिश्रित समुदाय में क्या करना है कि समुदाय के प्रभाव का जो तत्व था, जो रस था या फिर दोष था, उसको जानने के बाद जो द्रव्य है या फिर रोग है उसके प्रभाव के तत्व को निश्चित करना है, जैसे कि मधु घी वाला एग्जाम्पल था, ठीक है। अब हम लोग द्रव्य के प्रभाव तत्व के बारे में जानेंगे। तो द्रव्य के प्रभाव तत्व से पहले ये जान लेते हैं कि प्रभाव जो है वो चार तरह के होते हैं, रस प्रभाव, द्रव्य प्रभाव, दोष प्रभाव एंड विकार प्रभाव, जिसमें रस प्रभाव हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमें द्रव्य प्रभाव पढ़ना है, ठीक है। द्रव्य प्रभाव पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि ये होता क्या है। तो द्रव्य जो है, पहले तो हम लोग ये जानते हैं, जैसे डीजीबी में आपने देखा होगा कि द्रव्य जो भी काम करता है वो रस, गुण, वीर्य, विपाक एंड प्रभाव, इनके वजह से काम करता है, रस पंचक के वजह से। लेकिन यहाँ पे रस एंड द्रव्य दो का वर्णन है, बाद बाकी गुण, वीर्य, विपाक इनके बारे में बताया ही नहीं गया है। तो बेसिकली जो है ये वीर्य है, इनको द्रव्य में कंसीडर किया गया, एंड विपाक जो है उनको रस में कंसीडर किया। विपाक जैसे मधुर अम्ल एंड कटु होते हैं, ठीक है, तीन तरह के विपाक होते हैं और रस भी इसी तरीके से होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्तिका सह, सो इसमें कंसीडर किया गया है, ठीक है। अब आगे जो है द्रव्य प्रभाव के बारे में ये जान लेते हैं कि द्रव्य जो है जिन जिन कारणों के द्वारा अपना कार्य करता है, यानी कि हर वो फैक्टर जिसके द्वारा वो अपना काम करता है, उन सभी को द्रव्य के प्रभाव में समावेश कर लिया गया है और रस प्रभाव के अंदर ही समावेश कर लिया गया है, ठीक है। वैसे प्रभाव के बारे में एक और बात आचार्य चरक ने बताया कि अचिंत्य शक्ति है, तो वो दूसरा प्रभाव है, वो ये प्रभाव नहीं है। तो द्रव्य प्रभाव में मेनली तीन द्रव्य के प्रभाव के बारे में बताया गया, वो तीन द्रव्य कौन है, तेल, घृत एंड मधु, ठीक है। ये तीनों क्या करता है, क्रमशः वात, पित्त एंड कफ का शमन करता है। पहले तो आप इसे समझ लीजिए कि ये इन तीनों को शमन करता है, तेल वात को, घृत पित्त को एंड मधु कफ को। अब ये कैसे करता है उसको समझते हैं। तो क्या होता है कि वात का प्रॉपर्टी होता है रुक्ष, शीत एंड लघु, और तेल का क्या गुण होता है, स्निग्ध
उष्ण एंड गुरु, ओके। तो जो है विरुद्ध गुण होने के वजह से क्या करता है, एक दूसरे को शांत करता है। विरुद्ध गुण शन नहीं पाते, ठीक है। साथ साथ भूयशा अल्पम बजीयते, यानी कि जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो कम वाले को कम कर देता है, शांत कर देता है, ठीक है। तो तैल में स्निग्ध गुण है, वात में रुक्ष, तो ये स्निग्धता रुक्ष का जो विरुद्ध गुण है उसको शांत करता है। सेम उष्ण जो है शीत के विरुद्ध होने की वजह से उसको शांत, एंड गुरु जो है लघु के विरुद्ध गुण होने से उसको शांत करता है। तो फाइनली क्या हुआ, तैल वात शामक हो गया, तो यही इसका प्रभाव हुआ। तो इसलिए कह रहा है कि सततम अभ्यस्यमानम, ये जो भी काम कर रहा है एक दिन में नहीं कर रहा है, सतत निरंतर अभ्यास करने से ये होता है, डेली बेसिस पे काम करने पर वो तेल जो है वात को जीतेगा। सिमिलरली जो है घी जो है घृत जो है पित्त को एंड मधु जो है कफ को जीतेगा सतत अभ्यास से, ठीक है, और विरुद्ध गुण के बेसिस पे। तो एक बार इनको भी देख लेते हैं। तो पित्त का गुण क्या होता है, अमधुर उष्ण एंड तीक्ष्ण, ओके, जबकि घी का गुण होता है मधुर शीतल एंड मंद, ठीक है। तो मधुर होने की वजह से ये अमधुर को, विरुद्ध गुण के वजह से शीतल जो है उष्ण को एंड मंद जो है तीक्ष्ण को शांत करता है, और फाइनली पित्त को ये घृत जीत जाता है, पित्त शमन करता है। सेम मधु में भी है कि मधु का गुण होता है रुक्ष तीक्ष्ण एंड कषाय, एंड कप का गुण होता है स्निग्ध मंद एंड मधुर, तो ये भी विरुद्ध गुण होने की वजह से क्या होता है, इसको जीत जाता है निरंतर अभ्यास से। तो ये द्रव्य प्रभाव हुआ। तो यदि इसको समराइज कर दे तो कह रहा है कि कोई भी द्रव्य, यहाँ पे सिर्फ तेल धृत मधु ही नहीं, कोई भी द्रव्य हो, यदि वो दोषों के गुण के विरुद्ध गुण वाले हो, विपरीत गुण वाले हो, तो उनको वो क्या करेगा, जीत लेगा, उसको शमन कर देगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि निरंतर अभ्यास होना चाहिए, सतत अभ्यास, ठीक है। अब हम लोग तीन ऐसे द्रव्य के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको यदि अति मात्रा में उपयोग किया जाए तो वो हानि पहुंचाता है, इसलिए इनको अति मात्रा में वर्जित द्रव्य के कैटेगरी में रखा गया। वो तीन है पिपली छार एंड लवण। क्यों इसको वर्जित किया गया वो देखते हैं। सबसे पहले इनके कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं। जैसे कि पिपली है, तो पिपली का यदि रस की बात की जाए तो रस में कटु होता है, विपाक में मधुर होता है, गुण में गुरु होता है, साथ साथ जो है ये स्निग्ध एंड उष्ण ये जो है बहुत अधिक नहीं होता, ना अति स्निग्ध एंड उष्ण, ये इंपॉर्टेंट है, गुण गुरु इंपॉर्टेंट है, साथ साथ कर्म जो है इसका क्लेद करने वाला यानी गीला करने वाला प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका बात हो रहा है, समसाध्य गुण होने पर आपात भद्र, इसको समझते हैं। समसाध्य गुण कहने का मतलब क्या हुआ है कि सम एंड साध्य, यानी कि सम मात्रा में और अल्प मात्रा में साथ साथ सीमित प्रयोग, लिमिट प्रयोग करना है इसका, तब ये क्या है आपात भद्र। आपात भद्र मीन्स आपातकालीन, जैसे होता है ना इमरजेंसी, तो कुछ देर के लिए इसको यूज कर सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, इसको डेली बेसिस पे डेली डाइट में यूज करने से मना किया गया है, ठीक है। सम साध्य, सम मात्रा में और अल्प मात्रा में, और साथ साथ जो सीमित प्रयोग करना है, ठीक है। इसके अपोजिट यदि इसको निरंतर यूज कर लिए, रेगुलर यूज किया और अति मात्रा में सेवन करेंगे तब क्या होगा, तो ये दोष का संचय करेगा। कैसे करेगा, तो एक गुण आया था कि गुरु गुण है साथ साथ क्लेद उत्पादक है, तो ये क्या है कि गुरु गुण पचने में गुरु साथ साथ क्लेदकारी होने की वजह से ये कप को उत्क्लेश कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेगा, ये उष्ण है, उष्ण होने की वजह से ये पित्त को उत्क्लेश कर देगा, ठीक है। कफ उत्क्लेश हो गया, पित्त उत्क्लेश हुआ, नेक्स्ट ये क्या कर रहा है वात, तो उष्ण और स्निग्ध, ये क्या है ना अति स्निग्ध उष्ण, ओके। तो ना अति स्निग्ध उष्ण यानी अल्प मात्रा में ये सेवन नहीं, अल्प मात्रा में स्निग्ध एंड उष्णता से ये क्या कर रहा है वात शमन में भी असमर्थ हो रहा है, क्योंकि स्निग्धता जो उष्णता ये ज़्यादा होगा तब वात को अच्छे से शमन करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या ये अल्प मात्रा में, इसलिए ये वात शमन में भी असमर्थ हुआ। तो इस तरीके से वात पित्त और कफ तीनों में से किसी को ठीक नहीं कर पा रहा है ढंग से, बट कंडीशन क्या था कि बहुत अधिक अमाउंट में ले रहे हैं, तो इसीलिए ये वर्जित द्रव्य है एक्सेस अमाउंट में, ओके। नेक्स्ट पॉइंट ये आ रहा है योगवाही। पिपली का क्या है, योगवाही होने, कॉम्बिनेशन के साथ यूज करना, इंडिविजुअल यूज नहीं करना, ठीक है। तो योगवाही होने से कह रहे हैं कि पिपली को अकेले प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि पिपली जो है वर्धमान आदि रसायनों का क्या मतलब है, क्या औचित्य है। तो इसका चक्रपाणी के अकॉर्डिंग दो आंसर है कि जिन जिन रोगों में पिपली का अधिक प्रयोग बताया गया, ओनली डिजीज बेसिस, बस उन रोगों में जो है यूज करना, उसके अलावा और किसी में अति प्रयोग इसका वर्जित है। सेकेंड की अन्य संस्कार प्रकरण,
व्याकरण जो होता है अन्य संस्कार वाला, उसमें भी पिपली का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए इनको जो है वर्जित द्रव्य में रखा गया, वो भी कंडीशन है कि एक शेष अमाउंट में लेना वर्जित है। नॉर्मली आप जो है डिजीज बेसिस पर ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्जित द्रव्य जो है वो क्षार है। तो क्यों ये वर्जित है अधिक प्रयोग करने पर, उसको जानने से पहले थोड़ा गुण कर्म देख लेते हैं। तो क्षार का गुण होता है उष्ण तीक्ष्ण एंड लघु, साथ साथ क्या है क्लेदत्य आदि पश्चात विशोषित, इनिशियली वो क्लेद करेगा बाद में शोषण कर लेता है, ठीक है। कर्म क्या है इसका, तो पाचन दाह वो भेदन, ठीक है। लेकिन क्या है कि यदि एक्सेस यूज कर रहे हैं तो पर्सन को क्या होगा, केस दृष्टि हृदय वो पुंसत्व, ये सारा शक्ति नाश हो जाएगा। केस खाली तपालित वाला कंडीशन होगा, विजन लॉस हो जाएगा, हार्ट में प्रॉब्लम होगा, ससत पुंसत्व वाला भी। तो परिणाम क्या होगा कि अंधापन, आंध्य, नपुंसकता, असाढ़, खालित्य पालित्य, खालित्य मीन्स खाली हो जाना केस का झरना, पालित्य मीन्स पीला हो जाना, येलोइंग ग्रेइंग ऑफ हेयर, साथ साथ जो हृदय अपकीर्तन, ठीक है। तो ये सारा प्रॉब्लम होता है क्षार का अधिक प्रयोग से। और ये जो है कहाँ के लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं ऐसा, तो उसका एग्जांपल में भी दे दिया है कि प्राच्य देशवासी, जैसे कि असम हो गए, बंगाल हो गए, ये सब प्राच्य देश में आते हैं। इसके अलावा जो चीन देशवासी भी है ये भी है। तो इसलिए जो है क्षार का प्रयोग भी जो है अत्यधिक वर्जित है, क्योंकि ये सारा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट वर्जित द्रव्य जो है लवण है, इसके बारे में देखते हैं। तो उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं, इसका गुण जो है उष्ण तीक्ष्ण गुण युक्त होता है, साथ साथ ना ही अति गुरु और ना ही अति स्निग्ध होता है। लवण का कर्म क्या है, रोचन, पाचन, उपग्लेदन एंड विश्रमशन, ये क्या होता है आप लोग जानते हो। अब हमें ये देखना है कि क्यों वर्जित है इसका अधिक प्रयोग से, क्योंकि इसका अधिक प्रयोग करने से क्या होता है कि पर्सन को ग्लानी हो जाता है, शिथिलता हो जाता है, दुर्बलता होता है, वीकनेस इतना होता है कि मांस एवं रक्त की शिथिलता वो दुर्बलता वो वाली कंडीशन हो जाती है। बस इतना ही नहीं, उस पर्सन में जो है अकाल में जो है खालित्य, इंद्रलुप्त, पालित्य, ये सब भी हो जाता है। अब ये देखते हैं कि कहाँ के लोग अधिक रूप से लवण का प्रयोग करते हैं। तो जो बाहुलिक देशवासी है, जैसे कि सौराष्ट्र, गुजरात हो गया, सिंध वाला एरिया होगा, या फिर सौवीर देश, तो ये लोग बहुत यूज करते हैं। तो वहाँ पर खास करके लवण जो है वर्जित है। ये लोग ऐसे हैं कि दूध के साथ भी लवण का यूज करते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकल रहा है, निष्कर्ष ये निकल रहा है, जो भी वर्जित द्रव्य है पिपली क्षार लवण, तो ये जिन व्यक्ति को साथ में हो गए, साथ में कहने का मतलब हैबिचुएटेड हो गए, एडेप्टेड हो गए या एडिक्टेड हो गए, जो भी है, तो उनको क्या करना है कि इन सभी सात्विक का जो है ना क्रम से परित्याग करना है। क्रम से परित्याग करना इम्पोर्टेंट है। इनको जो है सहसा जो है सडनली नहीं छोड़ना है। यदि सडनली छोड़ दे रहे हैं तो बहुत तरह का हानि होगा। इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि इन सभी को जो भी साथ में हो गए हैं उनको क्रम से परित्याग करना है। इससे क्या होगा कि ये अदोषकर या अल्प दोष कारक होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया। नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग सात्विक के लक्षण एंड अष्ट आहार विधि विशेष आयतन करके इसको कवर करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए एंड थैंक यू।